फिर विदेश में ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। जब इन्हां दा डीजीपी रिटायर होया जांदा जांदा लिख के दे गया 2 बजे सवेरे बादल ने मेरे नाल गल की और 2 बजे और 4 बजे के दरमियान 22 बार गल्लां होईयां। मुख्यमंत्री नूं पता ही नहीं कि उत्थे की गल होई है। शराबी कोआबी राजा जिहदे करैक्टर बारे पंजाब दा सारा बच्चा जानदा है वो दूजियां ते चिक्कड़ सटना फिरदा है। जिन्ने साल सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जेल कट्टी है उन्नी दो दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सियासत नहीं होनी। आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। प्राइम इलेक्शन इंडिया 2019 ओनली ऑन प्राइम एशिया टीवी। तुसी देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी। मैं जसविंदर सिंह बिट्टा। प्रोग्राम प्राइम इलेक्शन साढ़े नाल ने सरदार गुलजार सिंह रैणी के लोक सभा हल्का फरीदकोट के उम्मीदवार, राज मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। गुलजार सिंह रैणी के 4 वार MLA रहे तो हुण फरीदकोट रिजर्व लोक सभा हल्का तो श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने। रैणीके साहब तुहाडा समां देण लई धन्नवाद। कहिंदे आ कि गुलजार सिंह रैणीके चोण लड़ना चाहुंदे सन माझे दे विच, लेकिन उन्हां नूं मालवे दे विच लिआंदा गया अकाली दल ने। किन्नी गल्लां 'च सच्चाई है? मैं चोण मेरी मैं कभी चोण का आशक नहीं करी रखता। पार्टी का हुक्म नहीं दा, जो पार्टी की होंदे मुताबिक वो मुताबिक ही 97 च मैं जो चोण लड़ी उदों भी बाल साहब ने आप ही मतलब कहा भी तुम काके तैयारी करो चोण लड़नी। 97 च पहली बार मैं MLA बनया उदों 42,000 मैं जितया भी। महाराज की कृपा हुई गुरु साहब की। उस तो बाद मुड़ के 2002 च भी फिर दोबारा फिर टिकट दी, फिर मैं उतो जितया। विच मैं राज मंत्री भी खेतीबाड़ी रहा पहले और उस तो बाद फिर दोबारा जो 7 च फिर मैं कैबिनेट वजीर भी बने 2007 च। हाँ जी 2007 उस तो बाद 12 च फिर दोबारा गुरु की बख्शिश हुई, कृपा हुई। उदों फिर मैंबर बन के MLA बन के तो फिर मैं सरकार फिर कैबिनेट का जोड़ा रैंक मैं मिले। इस करके 3 बार गुरु की बख्शिशा हुई, उन्हें संगत ने बहुत प्यार दिता। तो उस तो बाद हुण जिहड़ा इत्थे फरीदकोट की तुसीं गल कीती भी वो भी पार्टी का जो हुक्म हुंदा, जो संगतां दी मंग सी मतलब 9 के 9 ही जिहड़े हलका इंचार्ज सी उन्हां ने सरबसम्मति दे नाल ही ये फैसला कीता है भी मतलब असीं सारे उन्हां दे नां ते ही इकट्ठे हो जाने। उस तरह कोई थोड़ी बहुत धड़ेबाजी पिछों बंद ही जाए, वो किसी ने 5-4 उम्मीदवार होर भी तो इस करके संगतां की भी मंग सी ते 9 के 9 हलका इंचार्जां की भी इस करके गल हुई। इस करके मैं अंबरसर में रीसा नहीं मेरी लाने की कोई जां इहो जी गल नहीं। आपे तो पहली गल तो पहला नंबर तो एक गुरु नूं समर्पित, गुरु जी भरोसा महाराज की कृपा है। जे उन्हें इन्नी गरीबी जन्म दे के इन्नियां वड्डियां सेवा जिहड़ियां लै रिहा, इहदा मतलब उहदी बख्शिश है, संगतां की कृपा है। इस करके कभी इन्नियां वड्डियां ख्वाहिशां रखियां नहीं, जो कृपा करी जाते तो फिर उस हिसाब नाल। इस करके वो मुताबिक सरबसम्मति का फैसला है। फिर प्रधान साहब ने हुक्म किया, सुखबीर सिंह बालसा ने भी सरबसम्मति का फैसला तुहाडे नां ते हुंदा, सहमति हुंदी ते तुसीं लड़ो। फिर वो तां करके मतलब इत्थे संगतां जी भी भारी साथ तुसीं देखिया कि संगतां ने भी जो उन्होंने अनाउंस किया फिर क्या भी वधिया ने मतलब तुसीं लड़ो सेवा इत्थों की जिहड़ी करो। बाकी करदा गुरु साहब भी मतलब बंदे की सोच के मुताबिक मैं वेखण नहीं हुंदा, अपने अपनी अकल के मुताबिक आप गल्लां करी जाने। पर जो गुरु चाहुंदा जिथे जिथे सेवा लानी, संगतां जिथे जिथे लाउणियां उत्थे गुरु महाराज आप ही कृपा कर दिंदे। इस करके मैं समझदा कि संगतां दी भी मैं धन्नवाद करदा, संगतां दा भी बड़ा प्यार दे रहे ने और गुरु साहब का भी शुकराना करदा। तो 9 के 9 जिहड़े अपने हलका इंचार्ज ने MLA साहिबान, साबका MLA जां साबका वजीर साहिबान, उन्हां दा भी संगतां दा भी करदा धन्नवाद कि छोटे जिहे माणे नूं इन्ना जिहड़ा सरकार दे रही। गवांढी हलका फिरोजपुर तो लोक सभा के अकाली दल के उम्मीदवार तो अकाली दल के जरनैल सरदार सुखबीर सिंह चोन लड़ रहे हैं। इस गल का गुलजार सिंह रैणीके नूं कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि तुसीं जे अज सोचा जाए सरदार सुखबीर सिंह बादल एक हल्के की चोण नहीं लड़ रहे, 3 हलकों की लड़ रहे हैं, क्योंकि फरीदकोट, फिरोजपुर और बठिंडा लोक सभा हल्का बिल्कुल नाल एक दूजे से जुड़ता है। बिल्कुल प्रधान साहब का जितों तक प्रधान साहब के सारे पंजाब च ही देख रहे हैं नाल आप ही उत्थे संगतां दी मंग सी कि जे उत्थे प्रधान साहब चोण लड़न तो असीं सारे इकट्ठे होने उन्हां दे नां ते मतलब भी उन्हां ओह काम ही इन्ना करदे। 3-4 महीने तो पहलां तो सारे हलकिआं च पंजाब च उन्हां ने रूबरू सारे वर्करां नाल भी हलकेवाइज कीतियां मीटिंगां। उत्थे फरीदकोट की भी अपना फिरोजपुर की भी मंग सी भी मतलब प्रधान जी उत्थों लड़न तो साडा हलका जिहड़ा वधिया रह जांदा, उस करके उन्हां दा ते सारे पंजाब दे लोग भी सत्कार करदे ने, फिर होर भी करदे। इस करके साडे हलके दे नाल कुदरती गल है फिर थोड़ा बहुत हुंदा ही है, जदों प्रधान जी लागे लड़दे होण तो उन्हां संगतां च एक मैसेज तो वधिया जांदा, सत्कार वधिया जांदा। इस करके प्रधान साहब दा मतलब सारे हलकिआं दा उन्ना ही सत्कार है, सारे पंजाब च ही साडे नाल भी उन्ना ही उन्ना दूजिआं दा भी उन्ना ही। इस करके उन्होंने नाम भी उन्होंने काम कार करके लोग अज मैं समझदा कि जिहड़ी पंजाब दी संगत है वो जिन्नी पिछले 10 सालों च विकास जां डिवेलपमेंट होई जिन्ना स्कीमां बणीआं अज लोग उन्होंने पसंद करन लग पे। अज लोग मुड़ के वेखण लग पे भी 2.5 साल दे विच जिहड़ा सरकार ने एक भी कदे कोई डिवेलपमेंट की गल नहीं कीती जां कोई होर गल नहीं कीती, उलझन च ही पा छड्डिआ सारिआं नूं। किसान वीरां दे कर्जां दी गल कीती कोई हो नहीं सकिआ, गरीबां दीआं दलतां वीरां दीआं साडे उन्होंने बहुत वड्डियां स्कीमां दे वादे करने की गल की, उस भी कोई गल नहीं बन सकी। मुलाजमां दा जिहड़ा 2400 टैक्स कट रहे पहली बारी होया, नहीं तो करी इस तरह नहीं होया। नौजवानों नूं घर घर नौकरी देने की गल की, उत्थे कोई गल नहीं बनी अजे तक। व्यापारी वीरां नूं कुछ राहतां देने की गल की, सबसिडियां जां सस्ती बत्ती देने की गल की। इस करके संगत चाहुंदी है कि बाल साहब दे वर्गे कदकाठ वाला लीडर सेवादार गुरू दे भाव च रहण वाला वो लोग अज अकाली दल नूं पसंद कर लग पे। मतलब फिर भी विकास इन्ना हो रहा उन्होंने समय इन्ना कुछ होया, मैं समझदा कि वो सारा लोग विकास नूं ही मुड़े। तो लोग 2.5 साल के जिन्हें मतलब सताए कह लो तुसीं कह लो जिन्हें जिहड़ियां आसां सी उन्होंने सारिआं दे पानी फिरिआ। एक भी गल जिहड़ी किसी भी समाज की किसी भी धर्म जां मजहब की कोई गल जिहड़ी ओह नहीं होई। इस करके मैं समझदा कि सरकार जिहड़ी कांग्रेस सरकार है बुरी तरह पंजाब चो हर फ्रंट तो फेल हुई। राणीके साहब अगला सवाल यह है कि तुसी भी गुरु नूं समर्पित हो, अमृत छकिआ, पंथक पार्टी है अकाली दल, लेकिन जिहड़ी बेअदबी की घटना वो इस जिले विच हुंदी है जित्थों तुसी चोण लड़ रहे हो। कल भी कुछ जगह के उत्ते कालियां झंडियां दिखाईयां गईयां, सड़क का रस्ता रोकिया गया। मैं समझदा कि बेअदबी का मुद्दा जिहड़ा है ये बड़ा एक सेंसिटिव हैगा और एक कितना हावी हो रहा है थोड़े चोण प्रचार से किमें समझते हो? देखो सब तो पहला तो गुरु साहब के बारे ये गम करना जान सोचना मैं समझदा मां बजर पाप है। कभी जरा गुरु साहब के मन वाला सिख तो की कोई दूजे धर्म का भी जरा जी जिंदगी कोई निशानियत हैगी है वो ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु के आसरे नाल असीं चलदे। तो गुरु दियां बख्शा होंदियां जीवन के अंदर सारा कुछ बंदे दे अकल नाल कुछ नहीं होंदा, वो मतलब गुंगियां नूं बुला दिंदा उहदे। इस करके पहली गल तो गुरु साहब दे जिन्ना भी ये कोई इहो जी गल होई है जां कीती है वो गुरु साहब ने सज़ा देनी है। पूरी पीढ़ी बाई पीढ़ी चलदा हुंदा काम जिहड़ा जिहड़े गुरु तो आपां तो गुरु तो मंगते हैं, गुरु तो मंगदे असीं। उदों भी ये गल कही भी ये जिन्नी भी निंदा करी उहदी थोड़ी अज भी करदे रहना। तो मतलब उन्होंने अपना कोई होर पासे में देना जो करना जेडे जेडे तो दसिया भी अपना कल का जी गल करते हो। मैं उन्होंने वीरों भी बेनती करना भी ठीक है, अं सारे आप मन वाले आपने बैठ के वह कोई हल लभीए, वह कोई मतलब लोगों की भाल करिए भी जोड़े लोग दोषी उन्होंने सामने लेइए। तो उन्होंने गुरु ने तो सज़ा देनी देनी तो कानून ने भी देनी है, वो प्रक्रिया भी कानून की चल रही है, कमेटी की इंक्वायरी भी सारी चल रही है, अदालतों भी वो केस ने वो जो सामने आ गया सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ क्यों सिलेक्शन विरोध करना का मतलब फिर दो जाती गल भी दूजा की आप करते हैं जोड़े विरोधी पार्टी ने जो पंथ के हमेशा ही जोड़े रहे हैं। इस करके मेरी अज उन्होंने वीरों ने भी अपील है भी जे मतलब तुहाडी कोई हैगी असीं भी तुहाडे नालों वध गुरु महाराज दर्द रखते हो, तुसीं भी रखते हो, तुहाडा भी सत्कार है। पर आप इस तरह आप कटना ये आप सामने एक दूजे का करके विरोध हाँ वो भाल करिए जोड़े दोषी उन्होंने मत करिए किसी राही भी जिथे कि पता लगता कोई गल लभदी है तो सामने आए तो उन्हें सज़ा मिले। ਰਣੀਕੇ साहब तुसी लोक सभा की चोण लड़ रहे हो, फरीदकोट की घटना इस जिले में होंदी है कि तुसी इस गल नूं समझदे हो या तुहानूं लगता है कि किते ना किते घाट रह गई अकाली दल नूं इह गल लोकां सामणे दस्सण दी कि साडा बेअदबी विच कोई हत्थ नहीं, भावें अदालत ने तुहानूं हाले तक किसी भी जगह के उत्ते दोषी नहीं मन्निया, कोर्ट की प्रोसीडिंग हैगी है। कुछ हिस्से के इस तरह दी गल्लां आईयां कि अकाली दल नूं इस गल का लोकां नूं जवाब देना चाहिए सी, ना कि इस गल तों अखां मिचणीआं चाहिए सन। कि तुसीं समझो अखां मिचियां गईआं जां तुसीं दस्सण दे विच कामयाब नहीं रहे? उदों भी पूरी वाह जिहड़ी पिंड पिंड घर घर प्रधान जी ने मतलब ये काम कीती कोशिश, पर इहो जिहे जिहड़े काम हुंदे ने उन्हां नूं बड़ी बरीकी नाल चलना पैंदा। जे किसी नजायज़ भी कोई कर लीए तो भी माड़ी गल काली च कोई फैसला जो ले लीए वो मतलब अजे भी देखो हम 2.5 साल हो गया अजे तक किसी टीचे दहाली होना आन के मतलब कोई अकाली गल जी चलन की जी पूरी ये काम बड़े हौसले न बड़ी श्रद्धा नाल होंदा कि पीड़ा मसला गुरु साहब का है तो मतलब असल दोषी सामने आ जान भावें थोड़ा मगरों आ जाने पहला होना उदों करके गल उदों भी चली है। ये नहीं भी उदों फिर मतलब भी आप लोगों के दसन च भी गल मतलब पिंड च सारे अफसर भी लगे हीरो पर उदों की चलती चलती हुण तक हाली चल रही उदों भी मतलब कमेटी बनी इस तरह सिट बनी और सारा उन्होंने कुछ अफसर भी है। इस करके अकाली दल कभी भी गल ही नहीं कर सकता जां कोई भी पार्टी मन्ना भी अकाली दल की कोई भी जो नानक नाम लेवा ना मतलब जो गुरदास सिख है जां दूजा भी कोई है वह भी गुरु प्रति तत्पर है भी मतलब गुरु साहब की जी यही बेवतियाँ और सामने आना मतलब ये तो चलो हुई होने वाली जड़ियाँ पहलियाँ जां मगरलियां सारियां होनी चाहिए जड़ियाँ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰੰਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਸਾਲ 2-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ कि आने वाले समय के असी विरोध संघर्ष तेज़ करा अकाली दल बादल का घिराव करा। इस गल नूं तुसीं किवें देखदे हो? सो समा डेमोक्रेसी का मतलब की करते हैं मतलब किस तरह करते हैं की भावना उन्होंने पर मेरा मतलब भी ये ना कोई घिराव करना जां कि इहो जिहा कोई हल नहीं होंदे। हल तो भी गुरु साहब के जे आपां श्रद्धा कोई प्यार है तो उन्होंने डीपली लैके हल तो किस टीचे पर पहुँचीए जिथे कोई सलीहत सामने आ सके। ਰਣੀਕੇ साहब मुद्दे ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ 9 ਹਲਕੇ ਨੇ 850 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਆ 16-17 ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਜੋ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਸਾਡੇ जैसा साहिबान ने जोड़े हल्का सबका MLA जान 4 साहिबान ने उन्होंने फिर जो जो सलाह मसला कि चीज़ में पहल देनी है वो मुताबिक फिर जो सारे ही प्रोग्राम बना के जोड़े पहल वाला उस हिसाब न करा जो कोई होर नवी चीज़ धरन चाहती उस हिसाब न फिर मौके के आधार पर गुरु ने बख्शिश की संगतां की कृपा आ गई फिर वो फिर अभी 5 सेवा जी पूरी तनदेही ना उन्होंने मुताबिक जोड़े उन्होंने सलाह मसला लैके करा। कांग्रेस सरकार कहती है कि साढ़ियाँ 2.5 साल दीयां प्राप्तियां दा जिहड़ा सिट्टा होएगा नतीजा उहदे आधार ते निकलेगा। तुसीं लोकां 'च जांदे हो किन्नियां प्राप्तियां दा लोक जिक्र करदे आ जां लोक उहनां दीयां प्राप्तियां नूं किन्ना क हजम करदे ने? लोकां ने 19 तरीक नूं दस ही देना कि अज किसे वर्ग नाल गल कर लईए जी। तुहानूं दस्सिआ भी हुण 2.5 साल तो बाद लोक अकाली दल दीयां पॉलिसियां नूं अकाली दल दे विकास नूं अकाली दल दीयां नीतियां नूं अज पसंद कर लग पए भी वो अजे तक पंचायतों के पैसे जोड़े पिंडा च गए ही किसी का 20 लाख किसी का 30 किसी का 35-40 वो भी इन्हें आद वापस ले मेरा ख्याल जो पैसे वो लग जाते तो अज पिंडा की डिवेलपमेंट या शहरों की कस्बों की जी मुक जाने ही थोड़ी बहुत कित रह जाने वो पैसे भी वापस लगे नवी तो इन्हें अजे तक पंजाब के खजाने चो सरकार ने अजे तक क्योंकि वो पैसे का अजे तक एक भी नहीं पत्थर मेरे हिसाब नाल पंजाब दे विच रखिया। नहीं तो वो लारे जरूर ला रहे पे हाली टाइम पिया वा 5 साल पूरे होने, इस करके लोग बहुत सियाने ने अजकल समा वेख के उदों झांसे च आ गए। उदों तुहानूं पता जिड्डे वड्डे लारे ला गए सारे, उहदे नाल एक भी किसी का पूरा नहीं होया। इस करके अज लोगों के बड़ा वड्डा रोष भी है तो गुस्सा भी है भी साडे नाल इन्हां ने मैनीफेस्टो लिआंदा ते उहदे विच एक मद भी नहीं पूरी कर सके। इस करके वो 19 तरीक नूं संगतां ने दस देना सारा कुछ। सरदार गुलजार सिंह रणीके कैबिनेट मंत्री भी रहे ने। कांग्रेस सरकार आई, वो कहते पिछली अकाली सरकार खजाना खाली कर गई, हुंजा फेर गई। किन्ने दोषां च सच्चाई है क्योंकि तुसीं कैबिनेट मंत्री रहे सी? खजाना पहली गल ना खाली हुंदा ना भरदा, वो प्लान हुंदा साल का भी इन्ने पैसे इधर आने रेवन्यू आना तो वो पहला तो जोड़े मुलाजिम उन्होंने तनखावां का जोड़े जरूरी मसले पहला उन्होंने वास्ते रखते, उस तो बाद जोड़े वो ग्रांडा जी पिंडा शहरों में जानी होंदियां वो फिर जानियां। खजाना कभी भी नहीं भरता। खजाने का तो एक बहाना ला रहे जी खजाना खाली। और भी सरकार से पैसे भी रजवे मिले, सारे ग्रांटा भी आईयां, स्कीमां भी चलियां, सारे वीरां दियां जिन्नियां भलाई दूजियां तीजियां। वो तो एक बहाना टाइम टपाउण वाली गल है भी खजाना खाली, कोई इहो जी गल नहीं। और शबीर जी ने भी तुहानूं तक्का होना कहा भी जे नहीं चलाउणा तो मैनूं दस दो, 14 दिनां च आपे भर दूँ। इस करके वो सोर्स पैदा करने पेंदे, रैवन्यू मतलब जनरेट करते भी कितों लिया, की करना, किस तरह मतलब रैवन्यू लिया के लोगों के जाना। इस करके वो काबल लीडर निशानियां होंदियां, उन्हें फिर घर जिस तरह कोई मुखी करता उन्हें घर चलाना किस तरह उन्होंने पता होंगे सारा। इस करके बादल साहब बहुत सियाने सी, वो कितने कितों रैवन्यू पैदा करने वास्ते भी कोई ना कोई चलता रहता काम, तो पैसे लिया के भी लोगों भी संग दर्शन के राही भी तुहानूं पता पुछ के उन्होंने पिंडों पिंडी पंचायत में वखरा, गरीबों के जोड़े बेड़िया उन्होंने वखरा सदना, और जोड़े नौजवान ही यूथ वाले बच्चे मुंडे ही उन्होंने क्लबों वास्ते वखरिया टीम छड़िया भी तुहानूं की चाहिए। इस करके हुण तो जाना तो कि दूर की गल है, मतलब कि लागे उतरा नहीं दर्शन पिंडा चाहते। इस करके वो गल्लां वेखण वास्ते मिलन तो लोग मनणगे ना उन्होंने गल जी। सरदार गुलजार सिंह रणीके फरीदकोट लोक सभा हलका तो अकाली दल के उम्मीदवार है, मुकाबला किहदे नाल गिणदे हो जी? मेन मुकाबला साडा कांग्रेस नहीं है, इस पार्टी ने जी सरकार च दूसरिया जो पार्टियां उन्होंने ABC का ही सारा चल रहा काम, मेन कांग्रेस ने। दोष लगता कहते गुलजार सिंह रणीके बाहरों आए ने? बाहरों मैं लगभग आ महीना पहला 92 हलके दीयां मीटिंगां करके गया बतौर एससी विंग के मुख सेवादार होने अकाली दल के नाते, तो सारे हलकों के जिन्हें अभी पहला भी तो कैबिनेट दे विच भी सेवा का मौका मिलिया, उदों भी मीटिंग सारे पंजाब जांदा रहा। तो अमृतसर तो लागे घंटे का रस्ता, तो जाखड़ साहब कितों जाके वो गुरदासपुर तो लड़ रहे, होर किन्ने मिसालां मैं तुहानूं दे सकदा जिहड़े लड़े। इस करके नहीं संगतां की चाहुंदियां, संगतां की भावना, संगतां की तो आप ही मतलब मंग बाहरों वाली तो कोई गल नहीं, सारे मीटिंगां करके ही जांदे, बच्चा बच्चा जांदा, इहो जी कोई गल नहीं भी बाहरों आने वाली। वो कि विरोधी ने कोई ना कोई गल करनी हुंदी भी इस तरह गल के साडे ते परिवार है, अकाली दल का बड़ा वड्डा परिवार है सारे पंजाब च। अखीरला सवाल है जी, तुसीं जाना भी है, समा मैनूं दित्ता तुहाडा धन्नवाद। सरदार मनतार सिंह बराड़ भी इंतजार कर रहे हैं। सरदार जगमीत सिंह बराड़ का अकाली दल विच आउण दा सरदार गुलजार सिंह रणीके नूं कितना फायदा होएगा? देखो बराड़ साहब का जिंदगी का तजर्बा है, बड़ा लम्मा समा उन्होंने सेवा जिहड़ी कांग्रेस रह के कीती, तो कुदरती गल है कि लम्मे तजर्बे वाले दा सारे पंजाब दा वो हिंदुस्तान लैवल दे भी लीडर ने रहे हैं, हुण भी हैं, तो श्रोमणी अकाली दल दे विच ही उन्हां दा पूरा सत्कार जिहड़ा कीता। कुदरती गल है कि बंदे ना हर लीडर नाल जुड़ी हुंदी संगत, जिहड़ी जिहड़ी भी उहदी संगत साडे लगे, क्योंकि कुदरती गल है सानूं उहदा फायदा तो होऊगा, असीं उन्हां दा वैलकम करदे, सत्कार भी करदे आ। फिर तुसीं देखो कि एड्डे वड्डे लीडरां दा आउणा, इहदा मतलब कि कांग्रेस दीयां गलतियां जिहड़ियां नीतियां गलत है, जां कांग्रेस ने जो उहदा कदकाठी उहदे मुताबक उहदी सांभ संभाल नहीं होई, जां उहनां दा जो उहनां दी मतलब सेवा ही उहदे मुताबक उहनां दा सत्कार जिहड़ा नहीं होया। इस करके उन्होंने कुदरती गल है भी जिन्ना जोड़े जोड़े भी हरखे उन्होंने जिथे जिथे भी हरखे ने, कुदरती गल है अकाली दल नाल जुड़नगे सारे। आम आदमी पार्टी के राजर सिंह मानशाहीया कांग्रेस चले जाते हैं, यदा थानू इत्थे लाभ मिलेगा क्योंकि इत्थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी तुहाडे खिलाफ चोण लड़ रहे हैं? आम आदमी उम्मीदवार दो चोण लड़ रहे, MLA साहब एक लड़ रहे, एक MP साहब जोड़े उन्होंने पहलों भी लड़ रहे। वो सानू पहला पंजाब की संगत को कहने होंगे भी असीं नवीं सोच देनी है, सानू कुर्सी की कोई लालच नहीं, सानू इहो जी होण वेलो वो दोनों अड्डो अड्डी लड़ रहे आपस में लड़ रहे हैं। इस करके संगत निकी निकी गल जाती है भी उन्होंने हुण बेस कोई नहीं रहेगा, जिस तरह तूफान वांगू आए ही जल्दी काहली च आए, काहली च लोगों झूठ सच मार के वो लै गए, हुण वो सारा का सारा फिल्टर पुल्तर गया, हुण ओहदा कोई ना कोई फर्क नहीं होना। सो समा देने लई धन्नवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये सन सरदार गुलजार सिंह रैणीके लोक सभा हलका रिजर्व फरीदकोट तो ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖਾਮਖਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं। चौकीदार चौकीदार जैसे भी कहना है आप, चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। पाकिस्तान का सपना था कि किसी भी तरह इस देश के टुकड़े करो। 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, 5 साल के अंदर मोदी और अमित शाह ने करके दिखा दिया। जब इन्हां दा डीजीपी रिटायर होया, जांदा जांदा लिख के दे गया। 2 बजे सवेरे बादल ने मेरे नाल गल की और 2 बजे और 4 बजे के दरमियान 22 बार गल्लां होईयां। मुख्यमंत्री नूं पता ही नहीं कि उत्थे की गल होई है। शराबी कुआबी राजा जिहदे करैक्टर बारे पंजाब दा सारा बच्चा जानदा है, वो दूजियां ते चिक्कड़ सटना फिरदा है। जिन्ने साल सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जेल कट्टी है, उन्नी तो दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सियासत नहीं होनी। आप जाने वाले हैं, कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। प्राइम इलेक्शन इंडिया 2019 ओनली ऑन प्राइम एशिया टीवी।